आप लोग सब बैठिए। ओम अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्वत्ते नमो नमः। भक्ताविहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मद्दै, कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाङ्गरविन्दनेत्रां, स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्च, वदामि राधां करुणावराद्रां, ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मरहास मुरली मनोहर, राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरें कुरु। संविदा दशनेत्र नंद विभो प्रार्थये ब्रजवंद्र नंदन, उस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनी मदेश्वरी प्रियम्। प्राणनाथ विषभानुनंदिनी श्री मुकाब्जर सलूल सटपद राधिका पद त्रि कृपा स्थितिं तं भजामि। ऋषिकेन्द्र शेखर वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादूर्ण बिंब फलावदृष्टात्, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम तत्त्वम् किमोऽपि अहं न जाने। कृष्णात् परम तत्त्वम् किमोऽपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं, न विभं न जाचे ब्रह्मं सकलजनकामं वरवधूं मे। सदा काले काले प्रमोदपति नगितचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सभी लोग हाथ उठाइए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद बनो नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरे कथा पिपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंड प्रणाम स्वीकार हो। आज श्रीमद भागवत कथा की अंतिम दिवस है। वास्तव में काल ही उनके भागवत कथा के समाप्त हो चुके हैं, किंतु तथापि समय और कार्य की थोड़ी देर होने के नाते हम लोग और एक दिन अधिक रूप में रखा गया। शास्त्र में भी कहा गया अधिकंतु न दोषाय, कोई वस्तु यदि अधिक रूप में हो उसमें दोष नहीं लगता है, कम होनी नहीं चाहिए है? कम होनी नहीं चाहिए। देखो शास्त्र में कहा जाता है भोजन कम करें है? भोजन कितना करना चाहिए? कम। किंतु और बाकी विषय में क्या क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए है? क्योंकि भोजन ज्यादा कर ले तो हो सकता है आपके गड़बड़ी हो गई है कि नहीं। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है उन्नो भाते दोनों बल अधि भाते रसात्र। हाँ, ज्यादा भोजन करने पर भी नींद भी आती है, है? प्रभु जी करे नींद, मैं तो प्रयास करता हूँ नींद आ जाए। चलो कथा अभी केवल हम एकादश कंद और द्वादश कंद की सार आप लोग के निकट मैं प्रस्तुत कर देता हूँ, क्योंकि इस दो स्कंद की कथा और आगे सारी स्कंद की कथा अल्प विस्तर रूप में हमने आप लोग के निकट प्रस्तुत किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में इतने उपाख्यान इतने कथा को सभी कथाओं को सात दिनों में वर्णन करना संभव नहीं है। श्रोता कहाँ मिले? श्रोता तो सोचते हैं भाई जल्दी खत्म कर दो हम चले जाए, है कि नहीं? इतने समय कहाँ बैठे, मन तो विचलित होता रहता है। तो संक्षेप रूप में मैं एकादश स्कंद की कथा आप लोगों को प्रस्तुत करता हूं। देखो काल हम द्वारिकापुरी की कथा हम श्रवण कर रहे थे। ओ द्वारिकापुरी संग भगवान गोविंद के हाथों के द्वारा वो सुरक्षित था। गोविंद भुजंद गृहीता, भगवान गोविंद की लंबी भुजाओं के द्वारा वो द्वारिकापुरी संरक्षित था। वहां पर कभी पाप पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते, ब्रह्म साप भी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कथा प्रसंग भी यहां पर आ जाता है, नारद ऋषि दक्ष प्रजापति के द्वारा अभिशप्त हो गए थे। तो कहीं भी एक स्थान पर गोदहन काल तक ठहर नहीं सकते थे, क्योंकि दक्ष प्रजापति के सभियों के जो है वो सन्यासी बना दिया है। सब विद्या अभ्यास करा करके सभी के ऐसे बुद्धि दे दिया, ये सब घर छोड़ करके सब सन्यासी बन गए।
इसलिए प्रजापति ने किया कि नारद जी को अभिशाप दे दिया, तुम ऐसे पाठ पढ़ाया और मेरे सारे पुत्रों क्या हो गया, सन्नासी बन गए। अरे विवाह शादी नहीं करे तो घर संसार कैसे चले, सृष्टि कैसे बढ़ेगा है? और तुमने ऐसे पाठ पढ़ाया, ज्ञान वैराग्यवादी दे दिया, जिसके फलस्वरूप सब घर छोड़ करके चले गए। इसलिए प्रजापति ने नारद ऋषि को हिसाब दे दिया, जाओ आज से आप गोदहन काल तक आप रहने से, गोदहन माने दूध दोहने के जितने समय लगता है, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट है, उतने समय तक आप एक स्थान में नहीं रह सकते। नारद ऋषि बोले अच्छी बात है, हम जहां जाएंगे सर्वत्र ही जो है भगवत कथा प्रचार करेंगे। भाई किसी के यदि वैराग्य बनाना है अधिक समय थोड़ी लगता है, जिसके पूर्वजन में संस्कार है वो तो वैरागी हो जाएंगे, और हजार सुनाने पर भी वो होता ही नहीं है, बात ही सत्य है कि नहीं आप देखो है। तो इसलिए कहा जाता है ब्रह्म सापग्रस्त मानो नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते जब थक जाते थे, यह द्वारिकापुरी में आकर के विश्राम करते थे। क्यों यह पर ब्रह्म साहब प्रवेश नहीं करता था। इस कथा को सुनाने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी पाद आगे भगवान के अंतर्धन लाभ की कथा कुछ बोलते बोलने लगे। ये स्वयं भगवान किस प्रकार इस धराधाम से चले गए उस कथा को इंगित देने लगे। भगवान इस संसार में 125 साल तक विराजमान रहे, अनेकों असुरों को निधान किया और सभियों की प्रेम प्रदान आदि की, दुष्ट के दमन किया और शिष्य के उन्होंने पालन किया। ये सकल कथा वर्णन करते उस समय परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न भी कह दिया। ये भगवान जदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, अर्थात कृष्ण ब्राह्मणों की बहुत आदर करते थे, जिसके कार्य फलस्वरूप मैंने कहा सुदाम विप्र की कथा सुनाया, कैसे सुदाम विप्र की आदर सत्कार आदि की है। और स्वयं भगवान भी उदार भी थे, सभियों के दान दक्षिणा आदि देते थे, अपने महिषी जानी पत्नियों के लेकर के तीर्थ स्थल में भी जाते थे, तीर्थ दर्शन आदि करते थे। जिस प्रकार एक शुद्ध आचार विचार गृहस्थ घर में रह करके भगवत भजन आदि करते हैं, स्वयं भगवान उसी प्रकार एक आदर्श गृहस्थ की आचनादि करने लगे। क्यों भगवान गीता में भी कहा जत जाति श्रेष्ठ तत्व दिवेत्र जना सजत प्रमणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, जो जैसे आचरण करते हैं और उनके अनुगत वही मार्ग में चलते हैं। इसलिए स्वयं भगवान स्वयं आचरण करके सभियों की उपदेश दिया। आचरणहीन व्यक्ति जो कार्य आदि कर, आचरणहीन व्यक्ति जो उपदेश देते हैं वो कोई लाभ नहीं होता है उसमें। हो सकता है कुछ समय के लिए लोग उनके ऊपर आकृष्ट हो जाता है, किंतु बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया क्या, ये आचरण करके जो उपदेश देते हैं उसी की लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये गृहस्थ ये आदर्श गृहस्थ की भांति रहने लगे, सबकी आदर करना सम्मान करना, बड़ों के सम्मान करना। कलिकाल होते जा रहे हैं, आज तो लोग अपने माता पिता को भी सम्मान देना नहीं चाहते, पाश्चात्य देशों की प्रभाव के तरफ है, पाश्चात्य देश के विचार लेकर के चल रहे हैं। पाश्चात्य देश में वेस्टर्न कंट्री में माता पिता वृद्ध हो जाए उनके कहां भेज देते हैं, ओल्ड हाउस में भेज देते हैं,
माता पिता की सेवा कोई करना नहीं चाहते है? भले ही माता पिता के पैसे तो दे देंगे है? किंतु अपने हाथ से माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। आज हमारे भारतवर्ष ऐसी होती जा रही है, क्यों हम सब इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं ना है? क्या बोलते हैं उसके, कौन से स्कूल कहते हैं, कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं। अब उसके नाम सुनकर के सभी गर्व व्यवहार बबल होता है, यहां हम इंग्लिश मीडियम पढ़ चुके हैं है? और सब ऐसे बनते जा रहे हैं, बार सूट बूट टाई बन करके कहते हैं हम सब है। जो धोती पंजाबी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, ये तो तुम्हारे ओल्ड स्टाइल हो गया है, ये पहनना नहीं है है। क्षमा करें, बोलना तो पड़ता है, भागवत में ऐसी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हो, देखो भगवान कृष्णचंद्र एक आदर्श गृहस्थ के है दर्शाया, कैसे आदर्श गृहस्थ हो ये दर्शन करा रहे हैं। और ब्राह्मणों के सम्मान देना है, ये महा एक गृहस्थ की एक महाप्रभु एक अमर चैतन्य महाप्रभु दिखाया है, कहीं ब्राह्मण के अनादर न हो, ब्राह्मण के सम्मान करें। क्योंकि शास्त्र में कहा गया ब्राह्मण के क्या कहते हैं, भूसुर कहा जाता है। क्या बोला, भूसुर है। गुरु गुरु गुष्टे गुष्लेसु सुजने भूसुरगणे समंत्रे दामने सी ब्रजन बजवदंद सरणे, कहीं ब्राह्मण के अनादर न हो। इसलिए स्वयं भगवान ब्राह्मणों का आदर आदि करते थे, किंतु यहां पर सुखदेव गोस्वामी जब कहने लगे, देखो वह जदुवंश में ब्राह्मणों की कोई सांप लग गया, इसको सुनकर के परीक्षित महाराज ये कैसे होगा, ये तो आपने कहा ये स्वयं भगवान ब्राह्मण के आदर करते थे, और दूसरी वो दारावती दारिकापुरी स्वयं भगवान अपने भुजाओं के द्वारा रक्षा कदी करते थे, जिसमें कई ब्रह्म शाब्दी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकते थे है? तो वहीं पर ब्रह्म शब्द कैसे लग गया, उस कथा में सुनने के लिए उत्कंठित हो रहा हूं। उस कथा को कहने कहते हुए सर सुखदेव को स्वयं पाद कहने लगे, ये देखो कोई उद्दंड होकर के चले तो भगवान के कार्य के दंड देना, उद्दंड के दंड देना ये भगवान की एक स्वभाव कहा जाता है। इस कथा को वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद वह दारिकापुर के एक लीला कथा सुनाया। देखो एक दिन जदुवंश के कुछ उद्दंड बालक खेलते खेलते संत महात्मा के पास पहुंचे। मैंने पहले ही कहा था बड़े बड़े संत महात्मा सभी लोग दारिकापुरी में आकर के भगवान की चरण कमल के सानिध्य में विराजमान होते थे, क्योंकि स्वयं भगवान भी बड़े संत महात्मा के आदर करते थे। ब्राह्मणों के आदर करना, संत महात्मा का आदर करना, ये भगवान सिखाया, कहीं संत महात्मा के अनादर न हो जाए। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुंदर एक महल भी बनाया जहां पर संत महात्मा के निवास हो, जिसे कहते हैं संत निवास कहा जाता है। ब्राह्मण के लिए संत महात्मा के लिए खाना पीना रहना सुंदर रूप में बनाया गया। बड़े बड़े संत महात्मा, साधारण कई संत महात्मा नहीं, यज्ञ बल से लेकर के नारद ऋषि दुर्वासा ऐसे महान अष्टावक्र ऋषि, ये समस्त ऋषियों की नाम आता है। बड़े बड़े उन्नत गढ़ के संत महात्मा आकर के दारिकापुर में विराजमान होते थे, और वहां पर संत महात्मा हरि की चर्चा आदि करते थे। संत महात्मा जहां पर विराजमान होते हैं क्या करते हैं, खा पी और सो गए नहीं, संत महात्मा के यही लक्षण होता है, वो जहां पर भी बैठ जाए है वो क्या करना शुरू कर देते, हरि कथा शुरू कर देते। इसलिए
दारिकापुरी में सदा सर्वदा कहीं न कहीं जो है कथा चलती थी, दिवारत्र भगवत चर्चा होती थी। तो एक दिन ये सब कुछ उद्दंड बालक जो है दारिकापुरी में है, ये लोग खेल कूद करते करते देखा संत महात्मा बैठे हुए विराजमान है। संत महात्मा अपने आपस में बातचीत कर रहे थे, भगवत कथा चिंतन कर रहे थे, परस्परानु कथानम मिथुरति मिथुत्पत्ति। संत महात्मा जो एक संत महात्मा दूसरे संत में मिलते हैं, भगवत चर्चा ही करते हैं, विषय कथा नहीं है। संसार के लोग कहीं पर बैठ जाती है वह बैठ जाते हैं, विषय कथा शुरू कर देते हैं है। आईसीएस परीक्षा में एक ऑफिसर पूछा, एक मैथमेटिक्स प्रश्न पूछा, एक स्त्री जो है 10 मिनट में 10 रोटी बेल सकती है, 10 रोटी बेल सकते हैं कितने, एक 10 मिनट में कितने 10 रोटी बेल सकती है। अच्छा, वह 35 महिला रोटी बेल रही है, आज बताओ कितने रोटी बेल पाएगी 10 मिनट में? ये बोले एक भी नहीं। एक भी नहीं क्यों? मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं आप क्या? एक महिला यदि 10 रोटी बेली और 30 महिला कितने बेली, 300 तो होनी चाहिए ना। वो बोले एक भी नहीं। बोले क्यों नहीं? बोले जहां पर स्त्रियां एक साथ में वो बेल नहीं पाएगी, बात ऐसे से करेगी बात करते रहेगी, वैसे है वो चक्की घुमाएंगे ना ऐसे करते बात करते रहेगी। इसलिए वास्तविक सत्य ही नहीं है, माताएं जहां पर बैठ जाती है ना बस हो गया, अपने चर्चा शुरू कर देंगे। वो बोलते हैं मैं वो नहीं करती है, बोले अच्छी बात। चलो हम इसमें कह रहे हैं जो संत महात्मा जहां पर विराजमान होते हैं, संत महात्मा कोई बाहर की बात नहीं करते, भगवत चर्चा आदि। ये उद्दंड कुछ बालक और वो बालक ने कह कि खेल कूद करते करते देखा संत महात्मा बैठे हुए हैं, हम कुछ मजाक करते हंसी मजाक कर लेते हैं, ऐसे कह कि देखो जम्बुवती नंदन सम्भ के जो है सुंदर स्त्री वेश बना दी, किसको है सम्भ को, सम्भ को क्या की स्त्री वेश बना दी है और सुंदर अलंकार के द्वारा सुसज्जित कर दिया, गले में सुंदर माला भी डाल दी और घुंघट डाल दिया है और पेट में कुछ कपड़ा भी बांध दिया है और लेकर के जहां पर संत महात्मा भगवत चर्चा कर रहे थे वहां पर जाकर के प्रणाम करके बोले आप लोग तो संत महात्मा हो, त्रिलोक त्रिकालदर्शी हो, आप ही बताइए ये जो स्त्री जो आई है ये बहुत नाजुक है, इसलिए वो अपने मुख के जो है कपड़ा ढक करके रखे है, लंबी जो है घूंघट डाल करके रखे। देखो अभी 2-1 दिन में ये बच्चा प्रवेश प्रसव करेगी, किंतु इनके मन में बहुत इच्छा है, उत्सुक है, ये लड़का जन्म देगी कि लड़की जन्म देगी। हाँ, आप तो त्रिकलग ऋषि है, अब देखते ही आपको पता चला कि जाते है कि नहीं। तो इस प्रकार प्रश्न के संत महात्मा एक बार बोले इतने नजर नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, दो बार बोले वो लोग ध्यान नहीं दिया, तीसरी बार वो बालक ने किया कि जोर जोर से चिल्लाए अरे आप लोग संत महात्मा बताइए ना ये आसन्न प्रसव है, गर्भवती है, ये लड़का और लड़की जन्म नहीं, आप बताइए। तो उस समय एक संत महात्मा थे बहुत क्रोधी, यद्यपि श्रीमद् भागवत में डायरेक्ट नाम नहीं दिया गया, मतलब वो सब ऋषि को नाम दिया, किस ऋषि ने क्रोधी होकर के सब दिया श्रीमद् भागवत में नाम नहीं दिया गया, किंतु उसमें एक ऋषि टीकाकार कहते हैं उसमें नारद ऋषि अथवा दुर्वासा ऋषि है और दुर्वासा ऋषि दुर्वास ऋषि क्रोधित हो गए, मूर्ख संत महात्मा के साथ हंसी मजाक करते हो, हाँ
तुम लोग उद्दंड हो गए, सीमा छोड़ दिया, अभिशाप दे दे, जा इनके पेट से जो जन्म लेना है, ना बच्चा हुआ ना बच्ची, ना लड़का लड़की, मुसूल मुसूल जानते हो, वो जन्म लेना, और उसी तरह जुदकुल दंश होगा। भाई अभिशाप दे दिया है, यह सुनते सारे बालक डर गए है, और जल्दी जल्दी सम्मुख लेकर क्या है, और कपड़ा खोल दिया, कपड़ा में ऊपर भी तो ऐसी कपड़ा बना हुआ था, खोल करके देखा भाई ऋषि के संत महात्मा के वाक्य शब्द जो व्यर्थ थोड़ी हो जाएगा है, खोल करके देखा क्या, एक ऐसे मुसल है, मुसल जानते कि नहीं, किसने मुसल किस क्या कहते हैं, पीतल के होता है, तांबे के होता है, लोहे के होता है, किसके होता है, तांबे का लोहे का, हाँ जिसने देखे है ना, ये वो जो मुसल जो होता है वो लोहे का होता है, है हम लोग घर में भी देखा, चावल कूटने के लिए है, बता धान होता गेहूं के कूटने के लिए एक लकड़ी के ऐसे विशा बनाते हैं, उसके नीचे जो है लोहे ऐसे लगा देते हैं है, और उससे जो कूटा जाता है, उससे धान गेहूं है वो हो जाता है, चकना चप चुनकर हो जाता है। देखो जल्दी जल्दी देखा तो लोहे के टुकड़ा इतना बड़ा, अभी क्या करें, ये कहां से आ गया, सभी के सिर पर चक्कर आ गया। देखो साथ ही साथ सारे बालक ने क्या की, उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन राजा थे, और सारी बात बताया, उग्रसेन बोले अभी क्या की जाए, ये काम करो, ना रहे बांस और ना बजे बांस, ऋषि साहब व्यक्त हो जाए, इसलिए कहा देखो समुद्र के तट पर बड़े बड़े पत्थर के चट्टान पड़ा हुआ है ना, उस पत्थर के चट्टान के ऊपर इसके घिसो है, मुसल के घिसो, सारे लोग क्या करने लगे, उसको लेकर के पत्थर के ऊपर घिसने लगे, और घिसते घिसते इतनी सी छोटी रह गया, हाथ में पकड़ नहीं आ रही, जैसे आप कद्दूकस है ना, बाद वो अदरक जीजी लेकर के कसते हैं, जब आप छोटा हो जाता है फेंक देते हो, बाद में चलो इसके रसोई में डाल देते हैं, और क्या करोगे, हाथ में पकड़ नहीं आता है। तो उसी वजह जब हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे, वो लोग ने क्या कि उसके लेकर के समुद्र में फेंक दिया, और उसी समय समुद्र में एक मछली क्या की खाली, मछली के पेट में चला गया, एक मछुआरा ने उसको मछली को पकड़ा, और वो उस मछली को जो है वो लेकर के एक वैद्य शिकारी को बेच दिया, जरानंद से एक वैद्य, वो मछली को लेकर के जब आए देखे जो काटा पेट से देखा वो छोटी सी पत्थर जो है इतना ही था, वो बोले चलो काम में लगा लेते, वो जरानंद से वैद्य किया कि अपने पशु शिकार करने के लिए तीर के अग्रभाग में वो लगा लिया। चलो आगे की कथा सुनो, इधर वो जो मसूर के जो पत्थर के ऊपर जो घिसा, घिसते घिसते उसके जो कौन जितने भी आ गया, वो कौन समुद्र के जल से है मिलकर के फिर तट पर आ गए, और तट पर आकर के बड़े बड़े जो नल खगड़ा बन गया, एक प्रकार सरखंडी होता है ना है, इसे कास वृक्ष कहा जाता है, है बहुत लंबी लंबी होता है, है और उसके पत्ता जो है बहुत तीक्ष्ण धार होता है, है ऐसे बड़ा होने लगे। इधर एक दिन की बात क्या हुई, ये जदुवंश के जितने लोग थे है वो लोग क्या पी लिया था, एक प्रकार जो है मदिरा जैसे है वो पी लिया था है, और पी करके वे लोग बातचीत करने लगे, बारे बातचीत का अच्छी बात चल रही थी, बातचीत करते करते एक दूसरे से जो है बस हाथाहाथी होने लग पड़े, तो ये ठीक है ये बैठी गए, ये करते रहते, गांव में हो जाता है ना कभी कभी है, अच्छी भली सभी बैठी हुए और बातचीत करते करते बस
बात इतने बढ़ जाता है एक दूसरे से ही मारपीट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जदुवंशी लोग एक दूसरे से बस आक्रमण शुरू कर दिया। पहले हाथ से होने लगे, हाथ से हाथ हाथी होते होते फिर क्या थी वही समुद्र के किनारे में जितने भी वो नल खगड़ा जो था सरखंड जो था उसको उठा करके एक दूसरे के ऊपर पिटाई करना शुरू कर दिया। बोले संत महात का अभिशाप थोड़ी व्यर्थ जाएगा। देखो आश्चर्य की बात एक दूसरे से वो अपने आप सब मर गए। देखते देखते सारे जदुवंश ध्वंस। भगवान सर्वंतर जामी सब कुछ जानते हैं, इस धराधाम से जाने के लिए बहाना ही तो दिखाया। इसलिए संग भगवान ने कह कि उस स्थान को छोड़ करके चले गए प्रभास में और वह पर एक पेड़ के डाल पर बैठे और वह पर उद्धव जी भी पधारे। संग भगवान उद्धव जी के कुछ उपदेश भी दिया है। देखो यहाँ पर एक कथा में हमारे पास भी है, आपके प्रश्न आएगा जिस संत महात्मा किंतु इसमें उद्धव कैसे बच गया, क्योंकि देखो स्वयं भगवान उद्धव के कहने लगे उद्धव तुम जल्दी जल्दी स्थान से चले जाओ, 7 दिन के अंदर ही ये द्वारिकापुरी पानी में डूब जाएगा और तुम जाओ, विशेष करके मैत्री और विदुर के जो है मेरे समाचार दो है, वो लोग भी बहुत तड़प रहे हैं मेरे समाचार सुनने के लिए। उस समय भगवान अनेकों उपदेश दिया था जिसे उद्धव कृष्ण संवाद कहा गया और बहुत सुंदर कथा भी है। श्रीमद् भागवत में एकादश कदम से वर्णन है वर्णाश्रम धर्म कैसे पालन करना है, वर्णाश्रम धर्म की लक्षण क्या है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय आदि के लक्षण क्या है, सन्यासी वानप्रस्थ गृहस्थ और ब्रह्मचारी कैसे रहे, ये समस्त बहुत वर्णन है उसमें, और कर्मयोग ज्ञान योग और अंत में भक्ति योग के बारे में भी बताया। स्वयं भगवान कहने लगे देखो कर्म गुण कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा मुझे साक्षात रूप में प्राप्ति नहीं करते, एकमात्र भक्ति योग के द्वारा ही मैं मिल जाता हूं। भक्ति योग है ना, भक्ति योग कली युग में और हमारे चैतन्य महापुरुष कली युग में भक्ति योग के बारे में अति सहज सरल रूप में बताया। कली युग में भक्ति योग, भक्ति योग क्या है, केवल भगवान के नाम करो, बस हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रन्नता। कली युग में कुछ करना नहीं, एक जपमाला ले लो बस, भगवत नाम करो ना, क्या करना है, किसके पास जपमाला है हाथ उठाई, किसके पास नहीं है जपमाला हाथ उठाई, जपमाला सबके पास है ना, बहुत अच्छी बात है। इसलिए भगवत नाम करो कलयुग में, इसलिए कहते कलयुग में केवल नाम अधरा सुमरी सुमरी नर उतर पार, भगवत नाम करो बस, गुरु से जपमाला लेकर के नाम करते रहो है? ये कलयुग में और कोई सरल उपाय नहीं है। इसलिए संग भगवान भी कहा न साधति मान जोगम, न साधति मान जोगम न संक धर्म उद्धव न साध तपस त्यागु जथा भक्तिर ममो अर्जिता। संग भगवान कहते हैं कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा मुझे प्राप्ति नहीं कर सकते, ये कलयुग में केवल एकमात्र भक्ति योग के द्वारा ही मैं मिल जाता, कुछ करना नहीं है तुम्हें है? और भी सहज रूप में कहा देखो और मंत्र आदि जप करो, बहुत नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो स्नान करो नहा धा करो तिलक लगाओ है आचमन करो, बहुत कुछ नियम दिखाए गए, किंतु देखो नाम करने में क्या है,
कोई नियम नहीं है, है? खाई तीसरी दी जथा तथा नाम ले। शरीर पवित्र हो अपवित्र हो, है? स्नान करे अथवा नहीं करे, नाम करवाश। नींद टूटने के साथ ही साथ जपमाला लेकर बैठ जाओ, है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, है? कितना सरल उपाय दिखा दिया। और भगवान ने किया कि अपने सारे शक्तियों के नाम ही प्रवेश कर दिया, है? इसलिए कलयुग में नाम की महिमा दिखा दिया। इसलिए भगवान कहते हैं, न सदधि मान जोगम न संक धर्म उद्धव न सदस तपस त्यागो यथा भक्तिर मम अर्जिता। देखो आगे इस प्रकार से भगवान उद्धव के बहुत उपदेश दिया। फिर उद्धव रोने लगे और रोते हुए भगवान के आदेश के अनुसार चले। उन्होंने जाकर के मैत्री और विदुर के साथ मिले, ये सब भी विवरण है। और इधर से भगवान जब पेड़ के डाल पर बैठे और चिंतन भी कर रहे थे, इतने समय बहुत दूर से एक जरा नाम से वैद्य भगवान की चरण कमल को देखा। देख करके सोचने लगे कहीं हिरण हिरण की मुख होगा, हिरण के मुख लाल लाल आभाजुक्त होते, और भगवान के चरण कमल भी लाल आभाजुक्त था, लाली माता ना है। तो वो देख करके सोचने लगे कि हिरण वहीं पर खड़े, और उन्होंने क्या कि बहुत दूर से वो जरा नाम से वैद्य क्या कि तीर चलाया और भगवान के चरण में लगा और भगवान शरीर छोड़ करके चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये सच है कि नहीं है? सच है। देखो एक बात बताता हूं, शास्त्र के विचार दो प्रकार है, जो अल्पज्ञ है और वो विद्वान है, दोनों की विचार अलग होता है। अल्प विद्वान अल्प लोग अल्प ज्ञान वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये कथा सच है। क्यों? शास्त्र भी कहा गया है। देखो ये जोरा वैद कौन थे, है? वो बाली थे, आप जानते हो ना। हाँ, भागवत में ऐसी कुछ बन भी कर दिया है, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने बाली को पीछे से बध कर दिया था, इसलिए उसकी जो है बदला लेने के लिए और बाली ने जरा वैध होकर के आए और उसको मारा। किंतु ये बात सत्य नहीं है। यीशु की कहा जाता है, भगवान की इस लीला को कहा जाता है, क्या लीला कहते हैं? इंद्रजादी की लीला कहते हैं। थोड़ी कथा को आप ध्यान दीजिए, क्यों इंद्रजाली लीला कहते हैं? देखो पहले तो कथा में आई है, सिद्धांत में थोड़ा सा एक सिद्धांत बता देता हूं तब तो आपके विश्वास हो जाएगा। गीता में संग भगवान कहते हैं, आत्मा जल से जो भीगते नहीं है, पान है, और अग्नि से आग से वो जलती नहीं, हवा से सूखते नहीं है। अच्छा वो उनके जो तीर के द्वारा उनके पैर में लग गया और भगवान मर गए, ये कैसे होगा आप बताओ? पहले होगा आपके हृदय में तो आत्मा है कि नहीं, और भगवान के शरीर जो है सच्चिदानंद, उनके देह देही विदानस्ति। थोड़ा इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा विचार कीजिए, बद्ध जीव के शरीर और आत्मा में भेद है, है? ये शरीर जो हमारे पंचभूतिक शरीर कहा गया, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश है, और भगवान के शरीर किससे तैयार है? सच्चिदानंद शरीर है, है? ओम सच्चिदानंद रूपाय, है?
ब्रह्म संहिता भी कहा गया, इस तरह परम कृष्ण सच्चिदानंद विक्रम अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान के शरीर किससे बना हुआ है? तीन तत्व से बना हुआ है, सत चित और आनंद। तो भगवान के शरीर में तीर कैसे लगेगा, भगवान कैसे मर जाएगा? यदि भगवान मर गए तो ये बद्ध जीव और भगवान में क्या अंतर रहा है? थोड़ा गोड़ी मठ के चावल खाओगे ना दो दाना, तो आप बिल्कुल पक्का हो जाओगे। क्या बोला? नहीं नहीं, गोड़ी मठ के चावल खाना पड़ेगा, इधर उधर के चावल खाओगे ना वो आप जो कह रहे वही सत्य है। क्या बोला? किसके चावल खाना पड़ेगा? हाँ जी, खाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहोगे वहां भगवान को मार दिया, भगवान के कैसे मार दे? सीता, रावण सीता की चोरी करके लेकर चले गए, लिया कि नहीं गए? नहीं, वो छाया सीता थी। ये सब सिद्धांत जानना पड़ेगा। रावण कौन सा सीता को चोरी करके ले गए? छाया सीता। हाँ, ये लोग गौड़ी मठ के चावल खा लिए। आपने खाई कि नहीं कभी? हैं? कम खाई शायद, हैं? अभी खाई नहीं शायद, केवल स्वीट राइस खा लिया शायद, मीठा मीठा खाई, हैं? खीर खाई आपने? हैं? हाँ, आइए कल आइए, आपके खिलाएंगे, है ना? मैंने इसलिए कह रहा था, ये जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, ऐसे कम बुद्धि वाले लोगों के रुचिक उत्पादन करने के लिए भागवत भी लिखा है, उसमें जरा वैद्य के नाम भी उल्लेख है और ये सब कथा है। क्यों? जो कम बुद्धि वाले हैं उनकी रुचि उत्पादन करने के लिए कहना पड़ता है, है? जैसे देखो, एक बच्चा के जब पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? ए फॉर एप्पल कहते हो, बी फॉर बल कहते हो, सी फॉर क्या बोलते हैं? कैट बोलते हो। ये बच्चा को क्या कहने दे ना पढ़ाने में? एक तरीका, छोटा बच्चा है ना तो पढ़ेगा नहीं, कहते बेटा तुम ये करो पढ़ो, आप तो केवल बोल दे पर ए बी सी डी, मैया केवल यही बोलते रहोगे, और उसके बाद वो ए फॉर एप्पल, और एक एप्पल रख दो उसके पास, देखने में कितना सुंदर है, बच्चा आनंद देगा, हाँ मैया ये एप्पल मुझे दे दो। बी फॉर बल है, देखो बच्चों के पढ़ाने के लिए एक भी तरीका होती है, किंतु देखो जो आगे पढ़ करके जाते हैं, विद्वान होते हैं, है? तो उसे जब मैथमेटिक्स के बाद जियोमेट्री पढ़ते हैं, उसके भी ए बी सी डी ऐसे भी वो यूज करता है, है? किंतु उसके तरीका दूसरी होता है। और फिर मैथमेटिक्स में ए प्लस बी होल स्क्वायर अभी पढ़ते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ते हैं, है? एलजेब्रा से लेकर के ज्योमेट्री और एरिथमेटिक्स है, तो वही शब्द वही तो यूज करते हैं, किंतु उसके अर्थ दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी पाद अल्प बुद्धि वाले लोगों की रुचि उत्पादन करने के लिए ये कथा सुना दी, तो लोग कहेंगे हाँ ये तो ठीक है, किंतु इसकी इसी कथा को हमारे आचार्य पाद कहते हैं क्या? इंद्रजालिक लीला कहते हैं। बोले वो इंद्रजालिक लीला क्या है? जैसे जादूगर खेल दिखाते हैं, है? जादूगर खेल दिखाते हैं, है? आप लोग सब यूट्यूब में जाइए, दिखाई पड़ेगा। एक व्यक्ति के बेंच पर लेटा दिया और एक है ऐसे चाकू लेकर, बहुत शानदार चाकू लेकर के उसके कमर से काट दिया और रक्त झरझर झरझर के गिर रहे और दोनों अलग कर दिया, है? और फिर उनको लेकर से जोड़ दिया, वो चलना शुरू कर दिया। देखा कभी? बोले कैसे है? आज तेरे देखा नहीं था, आज वो देखना यूट्यूब में है ना, आजकल तो इंटरनेट है, है? एक व्यक्ति के क्या की लेटा दी, बेंच पर लेटा दी, बल्कि कोई कपड़ा ढका ढकी कुछ नहीं, उसके लेटा दिया और एक इतने शानदार तलवार धार निकल के उनके यहीं से काट दिया, बिल्कुल अलग हो गए, पैर अलग हो गया और ये दोनों अलग हो गए, है? आप तो देख करके बस रक्त की धार बढ़ रहे, देख करके आप तक डर जाओगे, बोलिए क्या हो रहा है? और फिर कुछ समय बाद स्विच करके
दोनों के एक साथ में जोड़ दिया और चलना शुरू कर दिया। देखो इसी कथा को कहते हैं इंद्रजाली लीला कहते हैं। इस कथा को मैं कहता हूं हमारे विश्वनाथ चक्र टीका में लिखते हैं। एक खिलवाड़ी था, अनेकों प्रकार जो है खेल दिखाता रहता था और पैसा एकत्रित करता था, लोग बहुत उसके पैसा देते थे। एक दिन वो क्या कि अपने पत्नी अपने बेटा दो बेटा के साथ राज दरबार में आए और उन्होंने क्या कि अनेक जो खेल राजा को खेल दिखाया है, देख करके महारानी बहुत प्रसन्न हुई। महारानी ने क्या कि देखो अपने महामूल्यवान गजमुक्ता के हार जो है और उनके पत्नी के हाथ में दे दिया है। और पत्नी जब हाथ में ली है, क्या बोलते हैं इसको, मदिरा जो खेल दिखाते हैं ना, नट नट था वो, उनके पत्नी के हाथ में दे दी। और पत्नी की जब हाथ दी, उनके पास जो है उनके दो बेटा था, वो दो बेटा हाथ से छीनने लगे, मैया मुझे दो मुझे दो। और इतने समय करते करते दो बेटा ने क्या कि तलवार उठाया, एक दूसरे से ऐसे तलवार चलाया, दोनों की गर्दन गिर गई देखते देखते सबके सामने। और इसको देख करके उनके पत्नी बोले, हरी एक हार के लिए मेरे दो बेटा चला गया। और उन्होंने तलवार उठाई और उसे गला काट ली, तीनों एक साथ में चला गया सबके सामने। और फिर वो भी देखा, मेरा बेटा दो बेटा पत्नी चली गई हार के लिए, मैं किस लिए जीवित रहूं। वो भी एक तलवार उठाया और अपने गर्दन को अलग कर, आंखों की पलक पड़ते ही पहले ही है एक ही साथ में चारों की है देह ऐसी रह गया, बिल्कुल अलग हो गए धर से, खून की धार सब लोग देख रहे हैं। देख करके सभा के लोग सब आश्चर्य, ये कैसे हो सकता है। राजा बहुत दुखित हुई, महारानी भी दुखित हुई। जिस महारानी यदि वो गले के हार नहीं देते, ऐसे चारों प्राणी को मौत नहीं होते है, किंतु जो होने वाला तो हो ही गया। फिर क्योंकि चारों की जो है धड़ और चारों के शरीर को लेकर के बरी में रख करके सबके सामने वहीं पर जला दिया, सब लोग देख रहे हैं है? बस सभा के सब लोग चले गए, राजा बहुत दुखित हुई। तब फिर तीन दिन के बाद जो क्या होता है उसमें उठवानी होते ना, उठावनी होते, लोग सब एकत्रित हुए, शोक सभा कर रहे हैं, संग राजा भी आए, महारानी भी आई है? और शोक सभा की पहली जब राजा भाषण देने जा रहे थे, इतने समय एक पोस्टमैन आ गया डाकिया और आकर के बोले, महाराज आपके नाम से एक पत्र आया है, आप इसको खोलिए। उस पत्र की प्रथम पेज में यही लिखा था ऊपर के पेज में, ये महाराज उस दिन हम आपको जो खेल दिखाया उसके खेल से आप प्रसन्न होकर के आपकी पत्नी हमें एक हार उपहार दिया था, मूल्यवान हार उपहार दिया था, जिसके फलस्वरूप हम चारों के मौत हो गए और चारों के शरीर को आप लोग के सामने जला दिया था। महाराज वही हम चारों अभी आ रहे हैं, महाराज आप बताइए अब हम जो खेल दिखना चाहते हैं वो हमें कौन सा उपहार देंगे है? ऐसे जब महाराज उस पत्र को पढ़ा और पढ़ने के साथ ही साथ वही चारों आकर के खड़े हो गए। कौन? हाँ नहीं, वो नट जो खेल दिखाने वाले जो है वही वाले और उनके पत्नी और दो पुत्र, दो बच्चे पत्नी और वाकर सब देखो आश्चर्य, ये कैसे हो सकता है। कहते महाराज यही तो है खेल, इसी कहता है इंद्रजालिक कहा जाता है, है? आंखों की ऐसे धंधा लगा देते हैं, आप सोचते हैं उसके सच मानते हो किंतु वो नहीं था, वो एक प्रकार कला होता है उसमें,
वास्तव से मंत्र तंत्र कुछ नहीं होता है। आप लोग सोचते उसे मंत्र तंत्र है, कैसे उसे मंत्र तंत्र नहीं है, है? वो आंखों की ऐसे कला बना लेते हैं, आप सोचते उसके सच मानते हो, है? हम भी यहीं पर देखे, ये विकास मार्केट यहां पर है ना, ये तो पहले भी बिल्कुल ऐसे धूल उड़ता था, है, बबुल के सब पेड़ लगा हुआ था, है, बिल्कुल खाली मैदान पड़ा हुआ था वो। यह पर बहुत साल पहले की बात, हम देखा गुरुदेव के साथ देखा हुए पर, एक वह पर एक मेला लगा और एक व्यक्ति के जो है बक्से के अंदर में भर दिया और ऊपर से ताला लगा दी, चाबी आपको दे दिया और ऐसे हाथ में ऐसे तीन ताली मार दिया, बोले आ जाओ, बोले वो आपके पीछे से आकर खड़े हो गए। कैसे हो गया भाई, है? ये कला है, जैसे मैंने अभी सुनाया, एक बेंच में एक व्यक्ति के लेटा दी और लेटा कर उसको बिल्कुल यहीं से काटना शुरू कर दिया, है? हम भी देखा, है? ऐसे जिहा पकड़े उसे काट कर दिया और अब तक खच 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 बिल्कुल दे, है? खून ऐसे पड़ा और फिर देखा तो वही बोलना शुरू कर दिया। ये सब कुछ नहीं, केवल इसे कहा जाता है इंद्रजालिक कहा जाता है। उसी प्रकार भगवान की जो अंतर ध्यान लीला आदि हम जो सुन रहे हैं, ये जरा नाम से वैध और उनके तीर लगने पर भगवान मर गए, ये लोग अल्पबुद्धि लोगों की है? दिखाने के लिए कि उसमें उसको अच्छा लगता है, भले हाँ भगवान मर गए, भगवान मरता है, है? क्यों, जिसके भगवान नाम से कोई ज्ञान नहीं है, भगवान किसको कहते हैं? आजकल अनेकों ऐसे संत महात्मा हैं भगवान करके उनकी जो अगल बगल में रहने वाले हैं भगवान कह करके उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, कुछ तंत्र मंत्र आदि करके आपको दिखा देते हैं, है? होता ही है, मंत्र की तो शक्ति है, सामान्य मंत्र की शक्ति आदि दिखा करके और आप सोचते हैं भगवान है, और वो भगवान बाहर नहीं आते, अंदर में रहता है, हा? जब पोल खोल जाते हैं तब कहते हैं अरे क्या मैं बेकार क्यों, है? इसलिए कहते हैं, इसलिए भागवत में यही वर्णन करते हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित सुनिए, इसी प्रकार जदवंश के दंश अर्थात संग भगवान इस धराधाम से जाने के लिए नर्वत रिलादी करते घर जाए। इसी कथा को आगे वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट अनेकों लीलाओं की तो वर्ष सुनाया। फिर द्वादश स्कंध में किंतु वास्तव रूप में मैं बताता हूं ब्रह्म साहब के प्रश्न ही कर सकते हैं, जो स्वयं भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा की है? देखो अश्वत्थामा ब्रह्मा और वही परीक्षित महाराज के ब्रह्म साहब और तपसप कैसे डंडेगा, कैसे काटेगा, ये संभव है क्या? भगवान जिसको रक्षा करते हैं उसे कोई मार सकते हैं? क्यों तथापि लोग दृष्टि में दिखाते हैं, है? इसलिए उन्होंने कहा कि परीक्षित सुखदेव को समीपात करने लगे, हे राजन आप ध्यानस्थ हो जाइए, ध्यानस्थ हो जाइए। जो कथा मैंने सुनाया उस कथा को स्मरण करते हुए अपने अपचित शरीर में नित्य गुरु वृंदावन धाम में चले जाइए। वास्तव रूप में परीक्षित महाराज जो गोपी भाव में अविष्ट होकर के नित्य गोलोक वृंदावन धाम में ही पधार गए और ऊपर से इस शरीर को दिखाई पड़ रहा है, उपदेश भी दिया गया है। इसमें भी पुराणों में और स्थानों पर ऐसे वर्णन है जे उस समय देखो तक्षक जो है आने लगे, है? और उस समय वो ऋषि जी तक्षक के भी तक्षक डांटने पर भी काटने पर भी उस विष को भी है बाहर निकाल देंगे, उसके जीवित कर देंगे, है? धन्वंतरी
धन्वंतरी के पास ऐसे विद्या था, वो मंत्र विद्या आदि के औषधि के द्वारा पुनर्जीवित कर देता है। तब वो आने लगे, तक्षक के साथ मिले, बोले आप कहाँ जा रहे हो? मैं परीक्षित के स्वभाव में जा रहा हूं। बोले क्यों? ना मैंने सुना, देख तक्षक आकर उनके काटेगा और मेरा मंत्र के बल, औषधि के बल पर मैं जीवित कर देता हूं। तो अब उन्होंने बोला अच्छा बताओ, राजा को जीवित करने तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे धन मिलेगा। अरे मैं आपको तो उतना ही धन दे सकता हूं, आप क्यों जा रहे? बोले तुम्हारे पास कौन सा मंत्र है एक मृत व्यक्ति के भी तुम जीवित कर सकते हो? बोले हाँ हमारे पास मंत्र है। तो उसमें तक्षण के एक फले फूले लदे हुए बहुत सुंदर वृक्ष जो था उसमें दंशन किया, काटा और देखते देखते वृक्ष बिल्कुल जल करके भस्म हो गया। और धन्वंतरी ने अपने मंत्र के द्वारा और फिर क्या पुनः हरा भरा कर दी तक्षणकारी। मैं परीक्षित के काट देने पर ये तो जीवित कर देंगे, तब ब्रह्म साहब व्यक्त हो जाएगा। उन्होंने क्या कि उनको पैसा दिए, लो अनेक जो सोने के सफेद रख दिया, लो कितना धन चाहते हो ले जाओ, हीरे जहरे तुम्हें है। और वहीं से उसको लौटा दी। और उस समय उन्होंने क्या कि लोग ये जा रहे थे और फूल की वो फूल लेकर उसमें अंदर में घुस करके परीक्षित पास महान पास गए और पुरोहित के महान पास जा करके उनको ऊपर के शरीर के दर्द काटा, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। किंतु उसके पहले परीक्षित महाराज ने किया कि गोलोक वृंदावन में चले गए। किंतु लोग दृष्टि देखा ये सांप आकर के तक्षरस को काटा और उससे परीक्षित महाराज शरीर छोड़ दे। मैंने कहने की तब संग सुखदेव से बात कहने लगे, हे महाराज परीक्षित आप ध्यानस्थ हो जाइए और भगवान की लीला कथा स्मरण करके अपने नित्य धाम में चले जाइए। इस कथा की वर्णन करते हुए इसके पश्चात कलिजुग की भी वर्णन किया, सत्य त्रेता द्वापर कलि ये चारों युगों की वर्णन किया गया। और विशेष करके स्वयं भगवान स्वधाम में जाने के बाद धर्म किसको आश्रय लेंगे, क्योंकि हम लोग जब प्रथम स्कंध में सुत सुनकादि संवाद में हम लोग श्रवण किया था, उसमें सुनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी पाद के 6 प्रश्न किया था। उसमें अंतिम प्रश्न यह था, ये कृष्ण स्वयं भगवान स्वधाम में चले जाने पर धर्म किसको आश्रय लेंगे, उसी प्रश्न के उत्तर यहीं पर भी दे रहे हैं। धर्म किसके आश्रय लेते हैं? एकमात्र भागवत धर्म में आश्रय लेते हैं। और कलिजुग में भागवत धर्म क्या है? ये नाम संकीर्तन। कि कलिजुग के मनुष्य की जो बुद्धि अत्यंत जो है निम्नगामी होगा, निम्नगामी से नीच बुद्धि वाले होता है, छल कपट भरा हुआ है। कले दोष निधे राजनो जब एक अस्ति महान गुण, कलिजुग के मनुष्य के जो है अत्यंत जो है दुर्गुण है, बुद्धि तो ऐसी है बस। कलिजुग के मनुष्य 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 जो है अत्यंत जो है दुर्बुद्धि वाले होते हैं और समस्त प्रकार के दोष के द्वारा ही दूषित है। कलिजुग के मनुष्य जितने भी कलिजुग बढ़ते रहे, कलिजुग का आयु कितने हैं पहले तो सुन ले, 432,000 साल कली की आयु। कितना बताया? 4,32,000। तुम्हारे कितना हो गया? हमारी हाँ अभी उसके मतलब पॉइंट में भी पॉइंट लगाने चल। अच्छा कितने बार आप आए और कितने बार गए? आत्मा है ना, अनंत काल से आ रहे हैं, आत्मा की आयु कौन वर्णन कर सकते हैं? ये पहली बार नहीं है, समझ में आ रही है? ये पहली बार ये शरीर में आप नहीं आए, आपके आत्मा जानी कितनी बार। स्वयं भगवान गीता में अर्जुन की भी कहने लगे, अर्जुन सुनो जो मैंने तुम उपदेश दिया ये उपदेश मैं
विवश सदमनु को भी दिया है, तुम भी कितने बार रहे कितने बार चले गए है, किंतु मैं भगवान होने के नाते मेरा सब कुछ ज्ञान है, तुम भूल गए। आप ये सोच रहे हैं ये पहली बार मैं शरीर में आया, बात सत्य है कि नहीं? नहीं, आत्मा की जन्म नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर हम चलते जा रहे हैं। कितने सप्त त्रेता दापर कली कितने युग बीत गए, जब से भगवान है तब से हम हैं और इस संसार में हम भ्रमण करते जा रहे हैं। बताओ क्यों, तथापि कहते हैं कलीजी की आयु बताते जा रहे हैं, कितने बताया? 432,000 है। उसी प्रकार दापर युग, त्रेता युग, दापर युग है, दुगुना तीन गुना चार गुना करके चलते जाए। भगवान की ऐसी लीलाएं जो है, और विशेष करके कलियुग के मनुष्य का जो है बुद्धि और कार्य जो अत्यंत नीच गति, जितने कलियुग बढ़ते जाएगा लोग उतने हिंसा परायण हो जाए। हिंसा परायण समझते हो, दूसरे की हिंसा करना है। घर में जो है कलह ही चलता रहेगा, दुर्भिक्ष आ जाएगा, राजा लोग प्रजाओं के जो है शोषण करते रहेगा। अभी तो जितना देख रहे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, इतने ही से आप लोग खलबची मचते जा रहे हैं। खलबची मच नहीं हुआ, देखो चोर डकैत बदमाश और ना जाने कितने रोग बीमारी यदि फैलते जाएगा। अभी कुछ नहीं, कोरोना वायरस जो आप देख रहे हैं 1.5 साल से चला ना, 2 साल चली 1.5 साल, ये तो कुछ नहीं है। जितने कलियुग बढ़ते जाएगा, और शास्त्र में लिखा है रोग व्याधि बीमारी ऐसे इसमें भागवत में वर्णन होते जा रहे हैं। केवल लोग विलास व्यसन में ही रमत्त होते रहेंगे बस, ब्राह्मण लोग ब्राह्मण धर्म छोड़ देंगे, शूद्र जो है ब्राह्मण धर्म के काम करें केवल पेट भरने के लिए है। लोगों के निकट छल कपट आदि दिखाएंगे बस, कोई भगवत नाम जप आदि कोई नहीं करेगा उस समय। अभी हम लोग अच्छा है, क्यों थोड़ा सा भगवत भजन कर रहे हैं, थोड़ा तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या नाम करते हो? हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हो, किंतु देखो जितने कलयुग बढ़ते जाएगा भागवत में वर्णन है, उस समय लोग इतने नास्तिक बन जाएंगे है। अभी तो लोग देखो कितने नास्तिक हो जाते यार है, मठ मंदिर को विश्वास नहीं करेंगे, मठ मंदिर ठाकुर जी के विग्रह कैसे चुरमार भांगचूर कर देंगे है, तोड़ेंगे। नीच में आ रहे ना, देखा ना बांग्लादेश में है कैसे तोड़ फोड़ करते जाएगा। एक तो लोगों की भगवत भजन की रुचि नहीं है, अरे कम से कुछ करे है, देव देवी की पूजा तो कर रहे हैं, हम विरोध नहीं करते हैं है? किंतु वो भी नहीं करे है? देखा न्यूज में, देखा कि नहीं बांग्लादेश में कैसे है, देखो देव देवी मंदिर को कैसे तोड़ रहे हैं, इसका मंदिर में कैसे तोड़ दिया, कैसे कर, यहां तो कितने लोग की भी मार दिया है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, जितने भी लोग ने सब विधर्मी आकर के ग्रास कर रहे हैं, भजन करने देंगे नहीं? आप तो यहाँ पर 100-150-200 व्यक्ति बैठे हुए हैं है, किंतु ऐसे समय आएगा है भागवत के बाद भगवत चर्चा भी करनी देंगे है। चोर डके दुष्ट दुष्ट ऐसे आएगा वो लोग सब है, बातों बातों में लोग के मार डालेंगे। अरे उस समय बारिश भी समय पर नहीं होगी, जमीन पर सब फसल नहीं आएगा है, कभी अधिक गर्मी इतने गर्मी होगा सब लोग झुलस जाए, और कभी कोई इतने बारिश है बिल्कुल डूब जाएगा है। देखो आजकल कितना आप न्यूज में देखते हैं इसे, कहाँ पर इतने बाढ़ आ रही हैं, कहाँ पर कैसी होती है, ये जो देख रहे हैं ये अभी कुछ नहीं है, ये तो मानो कुछ नहीं है, इसलिए भागवत में वर्णन होते जा रहे हैं। लोग नास्तिक बनते जाएंगे बस है, स्त्रियां जो है केवल बेस विलास में मत रहेंगे,
भोग विलास में मत रहेगा वास, केस और कुलिन्ना कुशिलना ऐसे ते रहेंगे सब, है भगवत भजन भजन के साथ कोई नहीं रहे, घर घर में बस कलह होते रहे, है अधिक बोले तो और क्या बोले, वास्तविक सत्य भागवत में लिखा है सर, क्या होगा नहीं होगा, है केवल नाम मात्र लोग रह जाएगा और धीरे धीरे मनुष्य के छोटे होते जाएंगे, है छोटा हो जाएंगे मनुष्य, बुद्धि भी छोटे हो जाएंगे, है अभी तो आप लंबी है कि नहीं है, उसमें जितने देखो सबकी कद क्या हुआ छोटा, उस समय मनुष्य के आयु 10 से 20 साल तक अधिक होगा, है अभी तो हमारे आयु कितने तक हम जीते 100 साल तक रखा गया है, किंतु कलयुग के जितने भी समय बीतते जाएगा उतने मनुष्य की आयु भी कम होती जाएगी, सारी तरफ हाहाकार पड़ती जाएगी, गिद्ध कुत्ते आदि भोंकते रहे सब जगह में, चोर डकैत सब जगह, राजा राजा के अगर पालन तो करेंगे नहीं प्रजाओं के शोषण कर लेंगे, धन संपत्ति लूटेगा, उस समय दो प्रकार की लोग समाज के लोग रहेगा, एक अत्यंत गरीब और एक अत्यंत धनी व्यक्ति, है धनी व्यक्ति गरीब के जो है पीसते रहेगा, जबरदस्ती काम कराएंगे, दास प्रथा जैसे सुना है स्लेव, वो उसी प्रकार चलते रहे, ना जानी ऐसी फल है, और लोग बातों बातों में झूठ बोलते हैं, अभी तो झूठ बोलता ही है, किंतु उस समय देखो इतने झूठ एक भी अपने एक परसेंटेज भी नहीं मिलेगा, झूठी बोलता रहे लोग है, वो झूठी क्या है सच लोग मानेंगे, गीता भागवत कोई पाठ ही नहीं करेंगे, है लोग भोग विलास में इतने उन्मत्त हो जाएंगे बस, है अभी देखो जहां पर कथा भागवत कथा होती है कितने लोग आते हैं, और जहां पर ऐसे है डुक 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 बजाए है डिस्को डांस है उसमें सुबह भागवत चर्चा में लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, है और जैसे अल्त फल्त खर्च करते जाएगा, ये भागवत में सारे विवरण दे गया एक 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 करके महाराज, ये कलयुग क्या, और अंत में कलयुग के अंत में मुसलधार से बारिश होगी, जैसे लिखा है भागवत में लिखा है, देखो हाथी के सूंड के भांति इतने जोर तेज धार से बारिश होगी, अभी तो बारिश तो कम होती है किंतु, और ऐसे होगा फिर कभी बारिश नहीं होगा 2 साल 3 साल से, है ऐसे होते हैं, यह तक भी देखो माँ अपने पुत्र की जो है मांस खाना शुरू कर दे, ऐसे हो जाए क्यों भूखे भूख मारी हो जाए, कहाँ तक लोग चारी तरफ ऐसे हो जाए, ऐसे कलयुग के वर्णन के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के आरु अनेकों भगवान की अवतारों की कथा सुनाया है, उसमें विशेष करके कलि की अंत में कल की अवतार भी प्रकट होंगे, है और कल के अवतार होकर के दुष्ट राजाओं के जो है वो दमन करेंगे, है और पुनः जो है समाज की व्यवस्था स्थापना आदि करेंगे, और उस समय कहते हैं एक कली कली से उद्धारण के उपाय क्या है, इसके लिए कहते हैं ये देखो ये भगवत नाम के द्वारा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित ये श्रीमद् भागवत की कथा जो नाम संकीर्तन के द्वारा प्रारंभ हुई है, सत्यं परम धीमहि, ये नाम संकीर्तन परम सत्य संग भगवान भगवान की कीर्तन नाम संकीर्तन, और देखो षष्ठ स्कंध में जाकर के नाम संकीर्तन की ही बात बताया गया है, जैसे अजामिल के पखन हम लोग ने श्रवण किया है, यदि कलि से कोई बचना चाहते हैं क्या करें नाम संकीर्तन, अपने बेटा के क्या नाम रखो नारायण, हक्कू बक्कू चक्कू डक्कू मत रखो है, क्षमा करें बोलना पड़ता है
कहते महाराज हमारे घर में आ गया, हमारे घर के बच्चे को निंदा कर रहे, मेरे हमारे बच्चे के नाम रखा डाकू हाकू बाकू और हमारे बच्चे के नाम लेकर के आप हाकू बाकू डाकू बोल रहे हो। किंतु शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, बच्चे के नाम हाकू बाकू जाकू चाकू मत रखो, नहीं तो चाकू चलाएगा तुम्हारा। क्या नाम रखो, राम रखो, कृष्ण रखो, गोविंद रखो, श्याम सुंदर, मदन मोहन, बेटी है तो किसी ने तो राधा नाम रखो, ललिता नाम रखो, है कितने सुंदर नाम है। कम से कम नाम नहीं भी कर सकते माले माला में, कम से बच्चा के नाम बा बेटी के नाम यदि रख दिया राधा गोविंद, कम से कम दिन में तो कम से 10 बार तो पुकारोगे नहीं, अरे गोविंद चलो स्कूल में जाना है, गोविंद उठो, है 10 बार कम से कम 10 माला तो हो ही जाएगा, 10 नाम हो जाएगा तुम्हारा, है। इसलिए कहते हैं कलिजुग में, इसलिए ब्रज में एक है, ब्रज में कोई हेलो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फोन लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, राधे, जय श्री राधे, है। जो ब्रजवासी नहीं है ना वो तो कहे हेलो, और जो ब्रजवासी है ना वो क्या बोलते हैं, राधे, जय श्री राधे, है, जय श्री कृष्ण, वास्तविक सत्य नहीं। और एक बताऊं, ये कलिजुग में ना ये फोन आकर के ना हमारी सारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के बिल्कुल क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है। मैं भी देखता हूं, सुनने के लिए हरी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, फोन लेकर के बैठ जाते हैं और 2 सेकंड के बाद ट्रेक बजना शुरू करते, फोन लेकर बात करना शुरू, कथा कहां सुनी है। इसलिए कहते हैं जब कथा सुनोगे कम से कम 1 घंटा क्या करो, स्विच ऑफ कर दो, इसके बाद कर सुनो कथा सुनने के समय, और उसके सोल क्या बोले, फोन में क्या है, स्विच ऑफ उसके रख दो, रसी घर में रख करके आओ नहीं हाँ भाई ये सच बताता रहे हैं। अरे कम से कम 1 घंटे तो भगवान की कथा सुनो है। अच्छा 7 दिन में हरी कथा सुनी आपने, जैसे भी हो, इसके आपको फल क्या मिला आप बताओ। मैं तो पैसा लेने के लिए ना, मैंने कोई दवाई नहीं किया है, आज 7 दिन बैठा मैं एक पैसा भी लिया नहीं, पैसे लेने मैं आया नहीं, मैं एक चीज देने के लिए जो गुरुदेव की जो कथा सुना वही आपके पास बताने के लिए है। वो है क्या चीज, भगवान की कथा सुनो, हरिनाम करो है, आ समझ में। और बहुत लोग हरे नाम नहीं करके हरे राम से शुरू कर देते हैं, ये गलत है, है? बहुत बड़े बड़े पंडित कहा देते हैं अरे नहीं कलिजुग के महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, किंतु ये ठीक नहीं है, है? ये जो महामंत्र में कहां से शुरू होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये शास्त्र व्यासदेव के लिखित ग्रंथ नहीं है, है? इस ग्रंथ को पढ़िए, बहुत बड़े बड़े पंडित इसके मानते हैं, कोई कहते नहीं चैतन्य महाप्रभु आकर के इसको उल्टा कर दिया, चैतन्य महाप्रभु के पहले सीधी था, है? कैसे उल्टा सीधा लोग सुनना कर दिया, कहते हैं आशा जाओ चतुर्वेदी समाज के लोग राम का अर्थ लगाते हैं हरि राम, हाँ ये बर्तन नहीं है, है? इसलिए आप लोग के निकट प्रार्थना है, है? हरे कृष्ण जैसे हमारे शास्त्रकार कहते हैं वही सुनिए। अब ये नाम संकीर्तन के द्वारा ये श्रीमद् भागवत समाप्त है, अभी यही नाम संकीर्तन के इसी श्लोक के सर्व की याद करना पड़ेगा है। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तं नमामि हरि परम, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तं नमामि हरि परम, यही नाम संकीर्तन के द्वारा ही हम समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि कलिजुग में और किसी के द्वारा नहीं, जितने भी कथा श्रवण किया सब कथा की सार क्या है, हरिनाम
है। और ये हरि नाम के द्वारा पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु है, महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में पहली कहा दिया, जैसे पहली श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम भव महाना भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणं विद्यावधु जीवनम आनंदम दीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृत साधनम सर्वात्म समणं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये नाम संकीर्तन कलयुग में जो भी कथा भी श्रवण किया, जो कुछ भी किया, सब की मूल क्या है? हरिनाम है। दान पुण्य आदि के द्वारा जो फल प्राप्त होती है, केवल एक नाम करने से उससे भी सैकड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। एक कृष्ण नामे जत पाप हरि, पापी शब्द नहीं तत पाप करे। एक कृष्ण नाम करने जितने पाप नष्ट हो जाता है, पापी उतना पाप ही नहीं कर सकते है। बोले हरि नाम की इतने महिमा दिखा है। इसलिए कलयुग में नाम हरि नाम करो और कुछ करना नहीं है, हरि कथा श्रवण और हरि नाम। अभी यहीं पर हम भागवत कथा को विराम देते हैं और आरती हो जाए, सभी अपने अपने पुष्पांजलि भागवत में प्रदान करें है। इसके बाद जो प्रसाद आदि जो है वो ग्रहण आदि करें है। कथा सुनने की फल यही है यदि आपने जीवन में भजन किया। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। हाँ देखो, उस दिन भी मैं बताया था, काल भी बताया था, फिर हमारे रामानंद प्रभु पुनः स्मरण करा रहे हैं। ये देखो 7 दिन भागवत कथा की फल क्या है, अपने जीवन में आचरण करें, गले में सब तुलसी माला धारण करें। क्या धारण करें? किसी गले में तुलसी माला है ही नहीं, पहले हाथ उठा है, गले में तुलसी माला ला। हाँ भाई, ये लज्जा क्यों? देखो आप सोने के माला तो पहनते ही हो, जंजीर है वो, और कोई वो चोर डकैत बदमाश जो ऐसे है खींच करके ले चला जाए। ऐसे कई साल पहले हम देखा, हमारे रूप सनातन मठ में वो उत्सव हो रहा था, एक बच्चा के ऐसे गले गले से इसको भग दिया, उसके पीछे पीछे हम दौड़ करके बहुत दूर जाकर उसे पकड़ा गया। तो ये देखो तुलसी माला है, कोई ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा है। गले में तुलसी सोने के हार रहे, 2 भरी 4 भरी कितना 10 भरी भी गले में रखो, देखो जब मर जाओगे ना शरीर छोड़ दोगे और तुम्हारे गले से वो उतार, लेकिन तुलसी माला है। और शास्त्र में लिखा है देखो तुलसी माला शरीर में भी रहे, जमदूत भी नहीं आएगा आपके पास, विश्वास करो है। तुलसी यदि आपके शरीर को किसी प्रकार स्पर्श हो रहे है, जमदूत आपको स्पर्श नहीं करे, जमदूत में जम लोग में नहीं जाओगे, विश्वास करो है। इसलिए आप लोग क्या करोगे, गले में तुलसी माला धारण करें। और दूसरी क्या है, देखो तिलक लगाओ है, हाँ ये सजाओ, आरती के सजा दो, और क्या करोगे तुलसी माला और तिलक लगाओ और जपमाला हाथ में लो, कम से कम तो एक समय हाथ में रखो। देखो स्कूल में बच्चा जाते हैं ना, कम से कम अभी कुछ पढ़ता ही नहीं है, तथापि उसको देखो थैला में नाजरी कितने किताब भर देते हैं है? तो उसी में कम से नाम जप करो, अथवा नहीं जप करो कम से कम तो माला रखो रखो है, कम से भगवान तो कहेंगे जो चलो इतने रखा, नाम तुम्हारी एंट्री हो गया है। स्कूल में नाम दाखिल होने के बाद हर रोज तुम्हारे रजिस्टर हो गया ना, तो उसमें हर रोज क्या होता है, क्या रखते हैं, प्रेजेंट रखते हैं, रोल कॉल होता है ना, नंबर 1 तब तुम खड़े, रोल नंबर 1 ये करे ना, तुम्हारा रोल नंबर कितना है भाई, 44। इतना दूर चला गया, मैं तो जीवन में 44 में नहीं आया कभी है। 2 नंबर 1 नंबर होना चाहिए ना, 44 क्यों हो गया तुम, ठीक से पढ़ाई करो है, पढ़ाई करो अच्छी से, 1 नंबर में आ जाए है। देखो हाँ, भगवान के नाम जप करो
है। इसलिए भागवत कथा श्रवण के ही फल, यह फल है। आप लोग सब जप माला लिया रखो है, कम से कम प्रातः काल में उठ करके एक माला कर लो। समय तुम्हारे पास नहीं है, है? कोई भी बात नहीं है, उठने के साथ ही साथ जप माला हाथ में ले लो, क्योंकि मैं करता हूं इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं नींद टूटने के साथ ही साथ है जप माला कर ले लेता हूं, हरिनाम करता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, है? लोगों के माला खो जाते हैं। देखो मेरा 40 साल में माला जो ना हमारी जब हम अपने रखते पास है, क्योंकि वो माला के जो है उसका आदर नहीं करते, इसलिए हरिनाम बोले मैं तुम्हारे पास क्यों खो जाते हैं। हम बहुत देखा, बोले गुरुदेव के दिए हुए माला खो गया, फिर कहते हैं हमारी एक माला दो। मैं माला कैसे खो गया है? ऐसे नहीं, हाँ हाँ, ये देखो माला करो, भगवान के नाम करो है। पति करना नहीं देगी, कहते पति हमें करना नहीं देते, क्या करें? छुप करके करो ना, पति को दिखा करके, जब सो जाए पति के कान में जाकर के हरे कृष्ण ऐसे मत करा करो। और तुम अपने देखो नाम करो, जब पति घर से चले जाए ना है तब हरि नाम करो, दिखा करके क्यों करते हो है? ना करने के बहाने तुम हरिनाम करो, करने वाले को है। हाँ, और दूसरी देखो एकादशी करो, उस दिन भी एकादशी के महत्व बताया है। एकादशी करो, एकादशी के दिन देखो समस्त प्रकार के पाप के बीज जो है अन्न में रहता है। एकादशी के दिन किसी प्रकार से दूसरे के भोजन कराने भी नहीं चाहिए है। लोग फलाहार कराते हैं, ये भी उचित नहीं है। कोई निर्जला रख रहे हैं आपको, उसके अपेल दिया खाने, वो खा लिया तो उसके पाप आपको लगेगा है। हम तो कहते हैं एकादशी के दिन किसी को खिलाने भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए और खिलाने भी नहीं चाहिए। लोग तो एकादशी के दिन और भी कहते हैं फलाहार खिला, मैं इसको तो कहते नहीं खिलाना नहीं चाहिए है। कहते कि कोई एकादशी कर रहे, हमें बहुत ब्रह्मचारी कहते हैं, बोले मैं तो निर्जला रखा और देखा मठ में जब ऐसे चकाचक बनते जा रहे हैं पनीर के सब्जी और क्या बनते हैं कोबी के रात पोटते थे, तो मैं पहले तो सोचा था आज निर्जला रखेंगे। जब 12:01 बज गया तो जब सब ब्रह्मचारी बैठ गए चकाचक खा रहे, बोले बेकार एकादशी निर्जला क्यों रखी भाई, तो खाना शुरू कर दे है। मैं इसी को भी कोई विरोध करता हूँ, किंतु हमारे बात कौन सुने, संख्यालघु है ना संख्यालघु की बात कौन सुने है, संख्यागरिष्ठ के बात मानते है कि नहीं। मैं कभी भी विरोध करता हूं, चलो सब है, चलो किसके लिए है। हाँ, जिसको पेट का बीमारी है, डॉक्टर ने कहा भाई तुम अधिक समय तक बिना भोजन में रहो तो तुम्हारे शरीर में, उसके लिए कहा है शास्त्र। हाँ, वो दूसरी बात है, शास्त्र में लिखा है ये देखो, आतुरीय नियम नास्ति प्रवासी नियम नास्ति, प्रवास में जो भ्रमण कर रहे हैं उसके नियम नहीं रह सकता है, वो सब नियम का पालन नहीं कर सकते है। जैसे कोई अमेरिका में अभी रात हो रहा है, इधर दिन हो रहा है आ जाए ना, तो कैसे हम नियम, एक नियम कैसे हो जाएगा है। हम एक बार अमेरिका में गए, और के व्यक्ति करे रात के समय दिन के समय था करके, मैंने कीर्तन करके महाराज मैं ये कीर्तन करूँ, मैंने कर कौन सा कीर्तन करूँ, बोले मैं कीर्तन के गौर आरती करना चाहता हूँ मंगल आरती करना चाहता हूँ। बोले कई बार अभी उधार मंगल आरती हो रहा है तुम करो, आप क्या करोगे किंतु नहीं, क्योंकि कहीं कहीं देश काल विचार विचार के अनुसार करना पड़ता है। किंतु शास्त्र में लिखा गया एकादशी कैसे करना चाहिए, निर्जला, जिसके शरीर ठीक है निर्जला करो। निर्जला क्या कहते, कोई कहते मैं पानी पीता नहीं, मतलब दूध पी लेता हूं दही ले लेता हूं, पर पानी दिया दूध दही थोड़ी दे, पानी थोड़ी पिया, उसमें निर्जला कहा आपने, किंतु ऐसे नहीं है, है? शरीर जी ठीक रहे, आपके शरीर साथ दे रहे है, आप निर्जला रहे। यदि आपके शरीर ठीक नहीं है कोई भी बात नहीं, शास्त्र में कहा गया है, तो आप थोड़ा फलहार करें है,
आज फलाहार कर ली और थोड़ा दही ले लीजिए, दूध ले लीजिए, उसके लिए दिया गया, कंसेशन दिया गया उसका है? और देखो एकादशी सबको करना चाहिए। और देखो हम एक कथवा देंगे, देखो एकादशी जो है ये आप एक एकादशी शुद्ध रूप में किया तो किसी व्यक्ति मरने वाला है और उनके प्राण नहीं छूट रहे, आप अपने एकादशी के फल उसको दे दो, देखो छूट जाएगा, उसको मर जाएगा। एकादशी के फल बहुत है, जो पर द्रव्य का हरण करता है, संत महात्मा की पैसा हरण कर लेते हैं, शास्त्र में लिखा है सब पुराण है, वो सब क्या ब्रह्म दैत्य ब्रह्म राक्षस से बनता है वो है, वो ब्रह्म दैत्य ब्रह्म राक्षस बन जाता है, अनंत काल तक उसे नरक भोगता है, भोगने के बाद ब्रह्म दैत्य बनता है। किंतु ऐसे ब्रह्म दैत्य की भी मुक्ति कैसे होती है, कोई अपने यदि एकादशी के फल उसको दे दे है। थोड़ी सी कथा सुना करके बंद करता हूं। एकादशी के फल हमारे गौड़ी मठ के हमारे भक्ति अंत प्रभुपाद के एक शिष्य थे है, वो ब्राह्मण परिवार के थे है, और एक दिन कहीं गए, पाठ पूजा आदि किया और उनके बहुत कुछ मिला सामान है, कम्बल मिला, रजाई मिला और अनेक प्रकार के जो है वस्त्र उनके मिला, और वो गाड़ी भर करके आ रहे थे। चलते चलते जब आए तो बारिश हुई, घनाघोर बारिश हुई, और उन्हें कहे अभी क्या चले, कल चलते चलते मानो रात 10 बज गया है, और भी आगे मानो 100 किलोमीटर चलना है, इसलिए वो विचार करने लगे चलो क्या करें, रात में कहीं विश्राम करें। एक पान के दुकान पर गए, करके बोले भाई यहाँ पर रहने की कोई यात्री निवास है, तो गांव के लोग बोले यहाँ पर तो यात्री निवास नहीं है, देखो एक खेती है ना, इस खेती में ये 2 मंजिल मकान है, कम से कम 3-4 साल से कोई व्यक्ति नहीं रहता है, खाली पड़ा हुआ है, बोले आप चाहे तो वहीं पर रह जाइए। तो उन्होंने क्या कि उस मकान में 2 मंजिल पर वो रहना शुरू रहा है, नीचे गाड़ी रख दिया और 2 मंजिल ऊपर चढ़ा है, आकर के उसे अपने कंबल बिछा दी और बिछा करके वे आराम से सो गए। रात 12-1 बजे देखो उसके से सारे जो किवाड़ और जंगला है ना, ऐसे धाक 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 शब्द होने लगे है। बोले कौन है जी, बोले जरूर कोई कोई आने आ ही गया, बोले जब भूत पिशाच आते हैं ना ऐसे शब्द करके आता है, है? तब उन्होंने आके तो उन्होंने बोले देखा तो वो कौन है, वो अकेले थे और वो भी बहुत लंबे चौड़े है महाराज थे वो। उन्होंने कह के देखो हाथ में एक सरिया ले लिया, लोहे के सरिया होते ना, हाथ में ले लिया, हाथ में रख करके बोले कौन है तू, सामने आ जा। तब कहने लगे मैं ब्रह्मदत्त हूं, ऐसे हंसने लगे, अरे सामने आ जा। वो महाराज कहने लगे, तो वो कहने लगे तेरे हाथ में लोहे के सरिया है ना, फेंक दे मैं तुमको मजा चखाता हूं, क्योंकि भूत पिशाच है ना ब्रह्मदत्त ना, जहां पर लोहे लोहा होता है ना उसे बहुत डरता है, हुड़की तो देता है, जैसे बंदर है ना, बंदर बहुत डरता है, किंतु आपको देखकर उसे डराते हैं, आप डर जाते हैं उसके आपके ऊपर आक्रमण करता है, है? ठीक उसी प्रकार भूत पिशाच ब्रह्मदैत्य डराते हैं, है? तो बोले उनके बोले अच्छा तू बता तू ब्रह्मदैत्य कैसे बन गया। देखो उनके जीवन चरित्र में लिखा महाराज जी, बड़े मैं कोई संत महात्मा के धन जो है अपहरण कर लिया, कोई संत महात्मा मुझे दिया था धन रखने के लिए, मैंने उनको दिया ही नहीं और मैंने अपने भोग में लगा दी, इसके फलस्वरूप मैं ब्रह्मदत्त हो मैं यहां पर आता। तो उन्होंने कहा, महाराज ने कहा तू बताओ इस ब्रह्मदत्त शरीर से तुम्हें मुक्त कैसे हो। तो स्वयं कहा ये कृष्ण जी मुझे एकादशी के थोड़ा फल मुझे दे दे तो मेरा ब्रह्मदैत्य छुटकारा मिलेगा। तो महाराज ने क्या कि बोले जो मैंने तो जीवन में अनेक एकादशी किया, निर्जल एकादशी किया है, देखो
हम लोग जब मठ में आए ना आज से 30-35 साल 40 साल पहले, हम लोग उस समय हर एकादशी जो है निर्जला करते थे। उस समय मठ में ऐसे नहीं था, आज जो मठ में जो देखते हैं वैभव, जो देखते हैं खाना पीना, जो देखते हैं, आज से 40 साल के बाद इसको पूछो, ये तब भी आया नहीं, ये तो मेरे मंत्र से ही आया, ये नमस्कार पूछ रामानंद के पूछो। उस समय मठ में ऐसे वैभव नहीं था, हर एकादशी में गुरुदेव को दे जाओ, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करके आओ है? और हम लोग गिरिराज परिक्रमा करने के जाते थे, सात दिन परिक्रमा, फिर आते थे हरिकीर्तन, फिर निर्जला। कार्तिक में एक बस जाती थी। अरे कार्तिक की बात छोड़ो, एकादशी की बात सुना रहा हूँ है? उस समय सभी ब्रह्मचारी के जो है निर्जला व्रत करना पड़ता था, और फिर धीरे 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 कोटुके आने लगे, खाना पीना इतने आज तो हुए, एकादशी का पता ही नहीं होता एकादशी है कि द्वादशी है, इतने खाना पीना आ जाते क्या करें है? और जो रखते हैं ना वो भी मुझे कहते हैं महाराज मैं सोचा तो मैं एकादशी आज निर्जला रखूं, जब 12-1 बजे जब हो जाता है, घंटी जब पड़ जाता है, देखा तो सबके पत्तल में चकाचक, तो मैं भी उधर बेकार क्यों एकादशी क्यों भाई तड़पते रहूं, खा ही लेता। हाँ वास्तविक, इसलिए वो संत महात्मा ने कहा ये मैंने जीवन में अनेक एकादशी व्रत किया, निर्जल एकादशी व्रत किया। उन्होंने कहा कि देखो वो संत महात्मा ने क्योंकि हाथ में थोड़ा पानी लिया और पानी लेकर के मनी मन चिंतन कर लीजिए, मैं एकादशी जो मैं निर्जल एकादशी व्रत किया, एक एकादशी के व्रत तुम्हें देता हूं, ऐसे करके पानी छिटक दिया। देने के साथ ही साथ वो ब्रह्म दैत्य शरीर से मुक्त होकर के सुंदर देव शरीर प्राप्त करके परिक्रमा करके चले गए। ये सत्य है, हमारे नित्यल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज उनकी प्रवचन में अनेक बार इस कथा को सुनाया है, वास्तविक सत्य है। एक जीवन में कोई एक निर्जल व्रत पालन करो, देखो कैसे करना है, एकादशी के क्या बोले दशमी के दिन एक बार भोजन करना है, और एकादशी के दिन निर्जला, और त्रयोदशी के समय के अनुसार द्वादशी के दिन समय के अंतर क्या कहते हैं पारण करना है, विष्णु पूजा करके शालग्राम के चरणामृत लेकर के पारण करो है, फिर ब्राह्मण वैष्णव की भोजन कराओ, नहीं हो तो कम से कम एक रोटी गाय को खिलाओ, गो माता की सेवा करो, फिर कोई वैष्णव मिल जाए जितना संभव है दक्षिणा दे दो, है तो कोई भी बात नहीं है, फिर दूसरे दिन द्वादशी त्रयोदशी के दिन फिर एक बार भोजन, फिर नियम ऐसे चलता रहे। तुम्हें जीवन में एक यदि निर्जला व्रत कर ले वो फल बेकार नहीं जाएगा, और उसी व्रत को यदि किसी को दे दिया वो ब्रह्मदित्य से राक्षस से भी वो मुक्त होकर चल जाएंगे। इसलिए मैं सबके निकट करवद्दग्रे प्रार्थना करता हूं, आप लोग कम से कम जीवन में एक निर्जला एकादशी पालन करें। निर्जला क्या, पान पिया ही नहीं तो क्या व्रत हो जाता है? उपवास किसको कहते हैं? उपवास समीपे वास उपवास, अर्थात भगवत नाम गुण कीर्तन करना पड़ेगा, रात्रि जागरण करना पड़ेगा है, भगवान की सारा रात भगवान के नाम कीर्तन करो है, तब होता है वास्तव रूप में जो है शुद्ध एकादशी व्रत होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है, ये भागवत की यहाँ पर हम प्रणाम करते हैं है, ये साक्षात भगवत स्वरूप है, यहाँ हम प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, आरती कर लिया जाए भागवत की आरती, ये भागवत के सिर में लेकर के आप थोड़ा यहाँ पर ये कर लीजिए परिक्रमा कर लीजिए, और इसके बाद सभी को जो है भजन कराइए। जय जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, हमारे धन खुले मोती पन खुले पंच
Oh,
जय श्री राम कृष्ण 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 श्